दद्दू राम राम। अरे दद्दू आपसे ही कह रहा हूँ, राम राम। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे दद्दू तुम्हें यहाँ बैठे हुए रोज देखता हूँ, कभी आगे जाते हो, फिर वापस लौटते हो, फिर उसके बाद बैठ जाते हो। अरे कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? बेटा कोई सही फैसला ले सकूं? सही फैसला? मैं कुछ समझा नहीं। वक्त है तुम्हारे पास समझने के लिए? अरे दद्दू मैं खामा खा की झक तुमसे थोड़ी ना मार रहा हूँ। ये देखो मैंने अपना फोन भी ऑफ कर रखा है। फोन ऑफ कर दिया है, इसे जेब में भी डाल ले। अरे दद्दू आप भी क्या याद रखोगे, ये लो रख लिया, अब बताओ। बेटा जीने को जी नहीं करता। जीने को जी नहीं करता? मैं समझा नहीं, क्यों? बेटा जब आदमी खुद को भीड़ में अकेला महसूस करने लगे तो मरने का दिल करता है। क्या मतलब दद्दू? बेटा घर में लोग हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, पता नहीं मोबाइल फोन में हमेशा क्या क्या करते रहते हैं, और मैं अरे दद्दू ये फोटो, ये दद्दू। अरे दद्दू कहाँ खो गए? हाँ बेटा। मैंने कहा ये किसकी फोटो है? ये मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरे जीने का सहारा, मेरा सब कुछ। ये दादी हैं? है नहीं, थी, अब मुझको अकेला छोड़कर जगत को अलविदा कहकर चली गई। क्या हुआ था दद्दू ने? ओ बेटा मुझसे ही पूछता रहेगा या अपने बारे में भी कुछ बताएगा?
अरे दद्दू, मैं अलबेला, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कुछ जॉब वॉब नहीं करते या यहाँ बैठे इसी तरह लोगों को देखते रहते हो, क्या करते हो? अरे दद्दू, आजकल जॉब कहाँ है? महंगाई, बेरोजगारी, काम इतना ज्यादा और पैसे इल्ले। कितना पढ़ा लिखा है तू? अरे दद्दू, पढ़ाई लिखाई क्या, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। माफ करना बेटा, मुझे इस वक्त देर हो रही है, कल मैं पक्का तेरी सारी बातें सुनूंगा और देखूंगा तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अब मुझे जाना है। ठीक है दद्दू, ओके दद्दू, पक्का। दद्दू आप? हाँ हाँ बेटा। आप यहाँ? दद्दू आप बहुत पलटू हो, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे जॉब पे लगवाओगे, जॉब तो छोड़ो, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। मैसेज आया कोई अनिल जी का? मैसेज आया था कोई अनिल जी का? क्या हो गया है तुम सबको? जब देखो मोबाइल पर लगे रहते हो, एक दूसरे से बात करने की बजाय मोबाइल पर पता नहीं क्या करते रहते हो। इस मोबाइल ने तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते? कोई है ऐसी जगह जहां तुम मोबाइल पर बात ना करो? अगर सोना ना हो ना, उस वक्त भी तुम मोबाइल पर बात करते रहोगे? पापा। क्या पापा? सिर्फ नाम का पापा? वो क्या फील कर रहा है? इससे कोई मतलब नहीं, जिंदा लाश बनकर रह गया है। अरे पापा, आजकल सारा काम तो मोबाइल पर होता है, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ आप भी एक स्मार्टफोन ले लो, आप भी इस्तेमाल किया करो। मैंने भी कितनी बार कहा है मुझे नहीं चाहिए स्मार्टफोन। तुम सबको जो करना है करो। बस बेटा, फिर खैर तू बता, कहीं काम वाम पर लगा या नहीं, या वहीं बैठा लोगों को देखता रहता है? पहले चलो। कहाँ? मैंने कहा चलो मेरे साथ। अरे बता तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरे साथ चलो। आजो। ब्रो, एक अच्छा फीचर वाला ना फोन दिखाओ, बढ़िया सा। उसको पैक कर दो।
थैंक यू, हैव अ गुड डे सर। दद्दू बैठिए। हाँ दद्दू, आंख बंद करो। दद्दू ये आपके लिए। ये? आपको दादी की कसम है, आप मना नहीं करोगे। बेटा एक शर्त है, पैसे तेरे को इसके लेने पड़े। वो तो मैं लूंगा ही। अरे मजाक कर रहा था दद्दू। अरे बेटा मुझे तो ये चलाना नहीं आता। अरे दद्दू मैं किस लिए हूँ, 10 मिनट में सिखा दूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा होमवर्क है। अरे वो तो ठीक है, तुम्हारी जॉब वॉब लगी या नहीं? अरे दद्दू हर 10 दिन बाद जॉब बदलती रहती है। लेकिन क्यों? दद्दू काम ज्यादा और तनख्वाह तो है ही नहीं। बेटा काम तो करना ही पड़ेगा ना, आजकल फ्री में पैसे कौन देता है। दद्दू बात तो ठीक है, लेकिन काम के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए ना। और आप बातों में मत उलझाओ, आप मोबाइल चलाना सीखो। चलो आ जाओ मैं सिखाता हूँ। ये देखो आप इसको लॉग भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके सोशल मीडिया है, मैं इस पे आपको बता रहा हूँ। ये जो है इसमें आप आईडी बनाएंगे, ये देखो ऐसे ये हो गया और ये आपकी आईडी बन गई है, ठीक है ना। आप अपने फोटोज पिक्चर्स और जो वीडियो है या जो आप लिखते हो आप इसमें पोस्ट करते रहें, और आपके यहाँ पे ना फ्रेंड लिस्ट आएगी, आप उनको रिक्वेस्ट भेजोगे वो आपको फॉलो भी करेंगे, वो आपकी चीज़ें देखते रहेंगे, इस तरह आप उसको करते रहें, ठीक है ना। ये आप करेंगे, ठीक है ना। देखो आप जितना ज़्यादा इस पर काम करोगे उतना ज़्यादा आप सीख जाओगे, ठीक है ना। बेटा तू तो मुझे जानता भी नहीं फिर भी मेरे लिए इतना कर रहा है। अरे दद्दू अगर आपकी जगह मेरे दद्दू होते तो, अगर उनके साथ ऐसा होता तो। मैं हूं ना तेरा दद्दू। रुक ये ले कार्ड, कल जाकर के इंटरव्यू दे आना, तेरा काम पक्का हो जाएगा। और हाँ रुक, ये तैमूर लिंगी मूछे और बकरे वाली दाढ़ी जरूर साफ करवा लेना। पक्का दद्दू पक्का। हेलो ड्यूड। अरे दद्दू आप क्या बात, एकदम हीरो लग रहे हो, एकदम झक्कास। अरे ये छोड़, ये देख मेरे कितने दोस्त हर सोशल मीडिया में, मेरे बहुत फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते हैं। और हाँ बेटा उस दिन मैं तुझसे मिलकर गया ना, मुझे तो याद भी नहीं था। जब घर पहुंचा तो देखा वहां पूरी फैमिली के लोग इकट्ठे हैं, केक मंगवा रखा है, मेरे जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बेटा मैं अपनी फैमिली की फीलिंग्स को समझ नहीं सका, वो चाहते थे कि मैं नई टेक्नोलॉजी को समझूं, उसे यूज करूं, जो कि मैंने कभी यूज करने की कोशिश नहीं की। और मेरी जिंदगी इस मोबाइल के आने के बाद बदल गई है। अब हमारी फैमिली में आपस में बहुत ज्यादा समझ है, और ये सब तेरी वजह से हुआ है बेटा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। और एक और बात बताऊं? हाँ जी। कल मैं शादी कर रहा हूं दोबारा। शादी? वो भी कल? बता, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता? लेकिन किस कानून में लिखा है कि मैं शादी नहीं कर सकता? पक्का? कौन है वो और ये सब कैसे? अरे बेटा तुझे तो पता है ना मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, मैं अपनी फीलिंग्स कविता में लिखकर भेज दिया करता था। सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। मैसेज आया, बात शुरू हुई और बढ़ती चली गई। और हम दोनों ने फैसला कर लिया है हम शादी कर लेंगे। दद्दू आपकी गर्लफ्रेंड मतलब दादी जी के फैमिली वाले सब? वो राजी हो गए, उनका बेटा कनाडा से आ रहा है शादी में शामिल होने के लिए। और आपकी फैमिली? वो भी राजी है, सब इंतजाम कर रहे हैं। दद्दू लेकिन संपत्ति?
संपत्ति के बारे में हमने लिख कर दे दिया है। ना उसके बच्चों का मेरी संपत्ति में कोई हक होगा, ना मेरे बच्चों का उसकी संपत्ति में कोई हक होगा। दद्दू, आप दोनों का गुजारा कैसे होगा फिर? और बेटा, हम दोनों ने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा है, और फिर हम दोनों की पेंशन आती है। दद्दू, आप दोनों में से एक मंजे लग गया तो? बेटा, बच्चे अपने अपने को संभालेंगे। लेकिन दद्दू, बेटा बंद करिए सवालों का पिटारा। ठीक है दद्दू, दद्दू शादी में तो बुलाओगे ना मुझे? तू क्या करेगा कबाब में हड्डी बनकर, है नाराज हो गया? तुझे नहीं बुलाऊंगा तो किसको बुलाऊंगा? तू ही तो है मेरी लाइफ को बदलने वाला, तेरी वजह से तो सारा काम हो रहा है ये। दद्दू आप तो सेंटी हो गए, और चलो कल हमें शादी की तैयारी भी करनी है। बेटा ये तो बता, तेरा काम वाम कैसा चल रहा है? दद्दू आपकी दुआ से बहुत ही अच्छा चल रहा है, मेहनत तो तेरी है ना बेटा। अच्छा दद्दू एक बात बताओ, आप सच में मरना चाहते थे? हाँ। जहर खा के या फांसी लगा के? तो छोड़ना, तेरा नाम सही रखा है मैंने सवालों का पिटारा। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी ले या हम बदलेंगे।